हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। एग्जाम के टाइम में ज्यादा समय बचा नहीं है, आई मीन एग्जाम स्टार्ट होने में ज्यादा समय बचा नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो। अगर आपने प्रिपरेशन करने के लिए नोट्स रेडी कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप नहीं कर पाए हैं या किसी कारण से आपको स्टडी करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो यू कैन आस्क अस। हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं हर एक पेपर्स के, चाहे वो एम कॉम के हों या फिर बी कॉम के हों। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई दिक्कत होती है, तो उसके ऊपर हम वीडियो भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तो वी कैन प्रोवाइड यू अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई मीन टॉपिक। सो इफ यू वांट टू बाय दैट नोट्स, यू विल हैव टू कॉल और व्हाट्सएप मी एट माय नंबर, व्हिच इज 8101065300। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी, जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपको 100 रुपीज पर पेपर पे मिल जाएगा। असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, एंड देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स व्हिच यू विल गेट व्हेनेवर यू विल साइन अप फॉर दैट यू नो ग्रुप, है ना। नोट्स 100 रुपीज पर पेपर पे अभी मिल रहे हैं, बट अगले वाले सेशन से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिनको भी नोट्स लेना है, वो नोट्स हमसे ले सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें कमेंट करना है, ये जो लाइन है इसके ऊपर कमेंट करना है। लाइन क्या है? लाइन ये है कि देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। इन दोनों में, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक सेंटेंस है, इसके ऊपर हमें कमेंट करना है कि क्या ये बात सही है या गलत है, है ना। तो ये बात कंप्लीटली गलत है। क्यों है, हम एक एक करके देखेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। क्या है, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस सबसे पहले कर लेते हैं। सो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय द बैंक इज इंस्ट्रक्टेड बाय द एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्ट कर रहा होता है उसको इंस्ट्रक्ट, आई मीन वो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को टू हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट टू द इंपोर्टर अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ बिल प्रेजेंटेड टू हिम, ठीक है ना। जो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल प्रेजेंट किया गया, उसके बदले में आप उसको जो है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस जो है वो एक तरह का आप दे सकते हो, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस अरेंजमेंट वेयर बाय द बैंक इज इंस्ट्रक्टेड बाय द एक्सपोर्टर, जहां पे बैंक को इंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय द एक्सपोर्टर कि हैंड ओवर आप करना उन डॉक्यूमेंट्स को किस चीज के अगेंस्ट में, जब आपको वो बिल मिल जाएगा, जब आपको वो बिल शो करेगा तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो, आई मीन हैंड ओवर कर सकते हो, ठीक है ना। द एसेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज दैट एक्सपोर्टर इज विलिंग टू शिप द गुड्स बिफोर पेमेंट, है ना। इस तरह के जो एक्सेप्टेंस होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये इसका एसेंस मेन ये है कि जो एक्सपोर्टर है, देखो मोस्टली क्या होता है कि लोग पैसे रिसीव करते हैं फिर सामान को रिसीव भेजते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पैसे बाद में आते हैं, पहले आप सामान को भेजते हैं। तो जब भी ऐसा होता है इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल ट्रेड में, तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का यूज बहुत ज्यादा होता है, है ना। द एसेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज दैट एक्सपोर्टर इज विलिंग टू शिप द गुड्स बिफोर पेमेंट, पेमेंट होने के पहले आप अपना यू नो गुड्स आपको आप एक्सपोर्ट करने के लिए विलिंगली आप हामी भर रहे हो। हाउएवर द एक्सपोर्टर इज नॉट प्रिपेयर्ड टू अलाउ द बायर टू टेक पोजेशन ऑफ देम, लेकिन आप उस केस में बायर को ये अलाउ नहीं कर सकते कि वो उस सामान को ले ले, ठीक है ना, क्योंकि वो पैसे, उसने पैसे तो अभी दिए नहीं है। और इंटरनेशनल ट्रेड बहुत रिस्की होता है ना। अब वहां पे बहुत सारी गाइडलाइंस वगैरह भी होती हैं, तो आपने सामान तो भेज दिया बिना पेमेंट का, लेकिन वो सामान का पोजीशन भी अगर रख लेगा बिना पेमेंट का, तो वो तो अपनी बात से बाद में मुकर सकता है। ये चीज यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है ना, पोजीशन ऑफ देम बिफोर द बायर हैज पेड फॉर देम। जब तक कि बायर उस चीज के लिए पे नहीं करेगा, वो उन यू नो गुड्स को या प्रोडक्ट्स को वो उसको पोजेस नहीं कर सकता, है ना। द एक्सपोर्टर ड्रॉज एन इशुएंस बिल इन द नेम ऑफ बायर एंड टुवर्ड्स द बिल अलोंग विद द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक फॉर डिलीवरी टू इंपोर्टर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल बाय राइटिंग एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट इन ड्यू डेट, ठीक है ना। ये एक तरीके से वही हो गया कि आपने सामान भेजा और सामान भेजने के बाद आपने साथ में बिल भेज दिया, बिल में वो बंदा आपको लिख करके दे रहा है कि इस डेट के पहले मैं आपको सारा का सारा पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे फिलहाल पोजीशन लेने के लिए दो मंजूरी। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही हो रहा है, लेकिन जब हम लोग डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो किसी बंदे को साथ में भेजते हैं। यहाँ बंदा नहीं जाएगा, यहाँ कोई बैंक जाएगा, जो एक्सिम बैंक होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक होता है, वो साथ में जाएगी ताकि सारी चीजें जो है बैंक की निगरानी में हो, ना ही एक्सपोर्टर को कोई दिक्कत हो, ना ही इम्पोर्टर को कोई दिक्कत हो, है ना। सो द एक्सपोर्टर क्या करता है, एक बिल ड्रॉ करता है इन द नेम ऑफ द बायर, जो बायर है उसके नाम पे, अलोंग विद द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो उसका तो डॉक्यूमेंट होगा ना उसके साथ, ताकि वो बैंक को दे, है ना, टू द बैंक फॉर डिलीवरी टू इंपोर्टर, है ना, ताकि वो सामान जो है उस तक पहुंचाया जा सके इंपोर्टर तक, फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, सॉरी
for acceptance of the bill by writing, accepted for payment in the duty. And signs it under an official business seal. और वहाँ पे एक signature भी होगा एक official business seal के under में. ठीक है? The bill of issuance period of up to 180 days. तो 180 दिनों का जो है यहाँ पे होता है. Since the importer has agreed unconditionally to make the payment on due date, the bill is presented to him by the bank for making the due payment. है ना? तो importer क्या होता है? Agreed करता है unconditionally. यहाँ पे किसी तरह का कोई condition नहीं होता. पेमेंट को लेकर के तो उस चीज को जो है बैंक फिर क्या है पेमेंट ऑन द ड्यू डेट द बिल इज प्रेजेंटेड बाय हिम बाय द बैंक है ना प्रेजेंट किया जाता है बैंक के द्वारा ताकि आप जो है पेमेंट कर दें विद इन 180 डेज जो है उनको वो करना होता है. ठीक है तो ये डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो गया. आपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि मैं इस चीज को पेमेंट करूंगा इस टाइम के भीतर तो उसके बदले में आप जो है डॉक्यूमेंट वगैरह दे रहे हो आप साइन करके दे रहे हो. ठीक है ना तो फिर वो एक तरह से वैलिड हो जाता है. नाउ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट. So this type of document implies that these documents along with the title shall be delivered to the importer only when the pay is the amount as shown in the bill of exchange on site and can take the delivery of goods only after making the payment. तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कोई किसी भी इम्पोर्टर को तभी दिया जा सकता है बैंक के द्वारा जो कि एक्सपोर्टर ने उसको दिया था जब तक वो पेमेंट पूरा ना कर दे. वो जैसे ही पेमेंट पूरा कर देगा वो चीज उसको दी जा सकती है. ठीक है ना तो ये एक बात है. Document against payment are delivered only after the receipt of payment, whereas in some case, documents against acceptance implies the documents are being delivered without payment on site, but the importer accepted the draft and shall pay a due date. तो दो तरह का हो गया ना यहाँ पे. डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में एक तरह का ड्यू डेट था कि इस डेट के भीतर आपने पेमेंट करना है और आप अलाउ कर रहे हो इम्पोर्टर को वो चीज करने के लिए, बट यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही है ना. डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में आपको पेमेंट पहले करना होगा फिर जाकर के आपको पोजीशन मिलेगा डॉक्यूमेंट का, फिर जाके आपको पोजीशन मिलेगा उस प्रोडक्ट का या फिर उस जो भी आइटम है उसका. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. काफी बड़ा कोई पॉइंट नहीं था. दिस क्वेश्चन माइट कम इन द 5 नंबर क्वेश्चन. सो ये मैंने कर दिया. आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा. इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अपने दोस्तों को बताइए. नोट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पर पेपर पे अवेलेबल हैं. दोस्त जो लेना चाहते हैं वो हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे विच इज राइटली अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा. एंड यस ऑनलाइन क्लासेस जो लोग करने को इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हामी भर सकते हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. जूम पे क्लासेस होंगी लेकिन वो सेशन खत्म होने के बाद होंगी. कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि एग्जाम का टाइम जैसे ही नजदीक आता है वो उस टाइम पे क्लासेस करना चाहते हैं. उस टाइम पे क्लासेस करा के मतलब पॉसिबल ही नहीं है सारे के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर पाना. तो जैसे ही आपका एमकॉम में एडमिशन हो रहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसी दिन आप अपना क्लासेस जो है स्टार्ट कर दें. तो जितने भी सिंसियर बच्चे हैं जो क्लासेस को लेकर के इंटरेस्टेड है प्लीज कॉल और व्हाट्सएप मी इफ यू वांट टू डू द क्लासेस. एंड फॉर द नोट्स और असाइनमेंट्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी एट माई नंबर विच आई हैव जस्ट सेड, डिस्क्रिप्शन में भी है. ठीक है सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अपना ख्याल रखो. बाय बाय. थैंक यू.